हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं फिर एक न्यू ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। तो दोपहर का बाहर का व्यू देखना, देखिए कितना ज़्यादा धूप है। फिर उसके बाद मैं बनाएंगे इफ्तारी के लिए नाश्ता एंड डिनर के लिए खाना। तो भाई मैं किचन में आ गई ऑलरेडी। तो देखिए मैं डिनर के लिए और इफ्तारी के लिए दोनों एक साथ में करती हूँ, अलग अलग तरीका से खाना। ये है मैंने पॉम्फ्रेट फिश फ्राई कर रही हूँ डिनर के लिए, और एक साइड में इफ्तारी भी बना रही हूँ। तो दोनों काम एक साथ में हो जाएगा ना। तो शाम पे इफ्तारी करने के बाद पे खाना बनाना नहीं पड़ती, इस तरह का मैं बनाती हूँ। क्योंकि ऑफिस भी है, खाना भी पैक करके देना है टिफिन में, इसलिए मैंने दोपहर में सारे खाना बना लेती हूँ और इवनिंग टाइम में कुछ नहीं होता क्योंकि आपो का ऑफिस है इसलिए। तो देखिए इधर फिश फ्राई हो गया और इधर मैंने सब्जी भी बना लिया वेजिटेबल जो कॉलीफ्लावर का, और इधर चना काबली चना मैंने बना लिया था, और मैंने ऑयल भी बैठा दिया फ्राई पकौड़े बनाने की। इधर मैंने भाजी बनाए थे, ये बैटर है मैंने पकौड़े बनाएंगे इस तरह का बैटर बना लिए मैंने। सारे चीज़ मिला के बैशून अंडा एंड मसाला सब कुछ, जिंजर गार्लिक पेस्ट जितना चाहिए जो भी, और अंडा का पकौड़े बनाएंगे मैं, चॉप बोलता है इसको। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉलीफ्लावर का पकौड़े बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने बहुत बार बनाती हूँ एक तरीका रमजान में, तो मैंने इस बार भी बना रही हूँ। तो किस तरह का बनाएंगे अंडा एंड कॉलीफ्लावर का पकौड़ा आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और इधर मैंने दो दिन मैंने पहले ही कल मैंने इसको मैरिनेट करके रखा चिकन ज़्यादा करके, ताकि मैं दो तीन चार मैंने हाफ बना लिया और हाफ है तो मैं बना लेंगी वो भी। तो इस तरह के टाइम ना मुझे हर तरह का थोड़ा थोड़ा करके वेराइटीज डिफरेंट टाइप का बना नाश्ता करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बनाती हूँ। इधर पोटैटो चिप्स स्लाइस करके काट लिया मैं, इसका पोटैटो चिप्स टाइप पकौड़े बनाएंगे, ये बच्चे की बहुत पसंद है इसलिए अन्ना बहुत पसंद करता है। और अंडा में मैं थोड़ा मसाला चाट मसाला ऐड किया ताकि अंदर टेस्टी बने, जो कोटेड करेंगे ना बैटर में तो अच्छी टेस्ट आएगी ये वाला बैटर में। तो इस तरह का मैं कोटेड करेंगे करके फिर मैंने फ्राई ऑयल में दे दिया अंडा जो चॉप होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये है क्या ना सिंपल इजी तरीका से आप बना सकते हैं, जो अंडा का आलू कोटेड करके फ्राई कर सकते, और मैंने टाइट करके बेसन का बैटर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर कोटेड करके इस तरह का मैंने डुबा के फिर ऑयल में छोड़ देती हूँ, ताकि उससे जो पोटैटो है ना क्रिस्पी बनता है, अंदर ज़्यादा सॉफ्ट होता है बाहर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। ये पोटैटो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है पोटैटो स्लाइस चिप्स टाइप का पकौड़े, तो वेराइटीज टाइप का पकौड़े बनाती हूँ मैं टाइम होते तो। इधर फिश फ्राई होगी, इधर देखिए मैं बनाते जाएंगे और एक साइड में रखते जाएंगे। यह कॉलीफ्लावर का पकौड़े वो भी बेसन में कोटेड करके बना रही हूँ, और एक साइड में मैंने टिफिन भर के जा रहे हैं अबू का इस ऑफिस के लिए, तो उसका इफ्तारी ऑफिस में करते इसलिए मैंने सब टिफिन पैक कर रहे थे, इधर पकौड़े पैक कर रहे थे और इधर फिर एक साइड में मैं फ्राई कर रहे, तो होते जाएगा धीरे धीरे और मैंने एक साइड में पैक करते जाएंगे, क्योंकि गर्म भी गर्म गर्म सर्व करना पड़ा मुझे, क्योंकि अभी ठंडा होने में टाइम लगता है और ऑफिस भी जल्दी जल्दी निकालता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी फटाफट कर लिया और टिफिन पैक कर दिया ऑलरेडी ऑफिस के लिए। और फिर उसके बाद आना हमारा मैं इफ्तारी के लिए रेडी कर रहे हमारा इफ्तारी। तो ये है सिंपल हम लोग का अनम और मैं इफ्तारी करेंगे दोनों, तो अनम तो रोज़ा नहीं है ऐसे मेरे साथ इफ्तारी करते, तो ये सिंपल है चने थोड़ा फ्रूट्स है लिया मैंने, खजूर एंड पकौड़े एंड परोठा था और भी ले लिया मैंने, यह अलग की हुई भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर नेक्स्ट डे वो हो गया इफ्तारी करने के बाद मैंने फिर ब्लॉग नहीं बनाया। फिर नेक्स्ट डे फिर इफ्तारी वो है फोर नामानंद का, उसमें भी चिकन मैरिनेट करने में एक साइड में चना बना लें। तो फिर इस तरह का मैं हर रोज ब्लॉग डालते जाएंगे रमजान का, चिकन मैरिनेट करके मैं फ्रिज में रखती हूँ ज़्यादा करके, तो चिकन पकौड़ा मुझे अच्छा लगता है हमें सबको इसीलिए। तो देखिए पैक नेक्स्ट डे था, उस दिन मैंने खाना पैक कर रहे थे बना के, तो ऑलरेडी बना लिए मैं सारे, दिखा नहीं पाया आप लोगों को। तो देखिए इस तरह का पैक किया चने एंड ये है चिकन करी साग बनाया, और वेजिटेबल सारे फ्रूट काट करके मैंने इस तरह का टिफिन में भर के देती हूँ रोज़ अपने दम खाते हैं। और इधर है चिकन पकौड़ा मैं बना रही हूँ हाफ और हाफ पैक कर लेंगे। तो क्या है ना अभी गर्म गर्म बना के फिर मैं रख देती हूँ इफ्तारी करने के टाइम, थोड़ा देर पहले मैं बना के कंप्लीट करके रख देती हूँ, तो इफ्तारी करने की से पहले उससे ज़्यादा टाइम नहीं
वेस्ट हो जाते। तो देखिए इस तरह का मैंने सारे खाना बनाना हो गए, राइस डिनर के लिए राइस एंड चिकन करी शाक और फिश फ्राई दिया, और इफ्तारी के लिए मैंने फ्रूट्स पकौड़े चना मूढ़ी मुरमुरा वो सब दे दिया, और हमें फिर इफ्तारी के लिए फ्रूट्स लिया एंड वाटरमेलन एंड देखिए चिली सूख गया था फिर मैंने लिया। और इस तरह का हमारा फोर इफ्तारी रोज़ा चौथा रोज़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से काट की, और हम आना मन में बैठे प्रे करने के लिए। फिर ये वाला जो व्यू देख रहे हैं आप, ये मार्केट का व्यू बहुत अच्छी से सामान ईद के लिए आप खरीद ले सकते हैं। ये वाला भी हंडी मार्केट में बहुत अच्छे से सामान मिलता है, तो देख लीजिए थोड़ा। और बड़ा वाला वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में छोड़ देंगे, आप लोग देख लीजिए प्लीज़। तो व्यूअर्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर के सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग। और ये वाला मार्केट का ब्लॉग बड़ा है तो मैंने शॉर्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, तो बाकी ब्लॉग मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में डाल देंगे। और एक चीज़ दिखाएंगे मैं बाद में ब्लॉग चलेंगे, वो देख लीजिए। आप भी देखिए आनम क्या कर रहे हैं, आनम मेरा सारे मेकअप का सामान है ना लिपस्टिक काजल लेके लिपस्टिक सारे मुँह में लगा के बैठ गया, वो इस तरह का जो कार बन के मेरे को इतना ज़्यादा हंसी आ रही थी, मैं इसलिए वीडियो बनाया। तो आनम वो देखा रहे, देखिए कुछ सामान ड्रॉयर में रखा ड्रेसनेबल का इस तरीके का, और लेके फिर खोद लगा रहे थे। और इसको उठाने में मुझे बहुत ज़्यादा 10-10 मिनट लग गया था, बहुत वो है ना वाटरप्रूफ था, तो इसलिए देखिए नेल में भी लगाया फोरहेड में लगाया मुंह में लगाया, बहुत ज़्यादा शरारती करते आने में इस तरह का मेरा सामान लेके। और मुझे पता भी नहीं इस तरह का काम करेगा ना, मैम इस तरह का हरकतें करते रहते हमेशा है, और क्या बोलता है ऐसे होता है बच्ची बेड में बैठे बैठे ये सारे सामान उसका जो टॉयस का उसका सामान मेरा सामान सब